फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इसका जेस्चर जो है सैमसंग मोबाइल का जेस्चर, मोशन जेस्चर, उसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में घंटी का ऑप्शन आया तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले एडवांस फीचर्स पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मोशन एंड जेस्चर्स, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होता है लाइट वेट स्क्रीन, अगर इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि आपका यहाँ पे बहुत सारे लाइट वेट पे आपका ऑन हो जाए स्क्रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। ये डबल टैप टू वेक ऑप्शन दिखता है, इसको क्या, इसको करने से क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद और मैं इसको ऑफ़ कर दूँगा तो इस पर डबल टैप करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसी के लिए होता है ये। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, इजी मोशन, फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिलता है, फिंगर सेंसर, जैसे कि आप फिंगर सेंसर ऐसे करके करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को, क्लोज नोटिफिकेशन कर सकते हैं इससे। और यहाँ पर आपका स्वाइप कैप्चर्स आपको देखने को मिलता है, स्वाइप कॉल मैसेंजर वो भी देखने को मिलता है, स्वाइप करने वाला ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।